काम कर रही है और न्यायालय जो आदेश दे रही है उस आदेश का पालन सरकार अपना कर रही है, करा रही है, वो तो न्यायालय का मामला है। और अभी कल जो वहां नोएडा में जो भ्रष्टाचार के कहा जा रहा है, भ्रष्टाचार के दो टावर गिराए गए हैं, ये जो है सपा बसपा के शासनकाल में तैयार हुए थे और इस शासन में उसको गिराया जा रहा है, इस संबंध क्या कहेंगे कि भ्रष्टाचार पर कितना सरकार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, कितना काम कर रही है? भ्रष्टाचार में सपा बसपा लिख रही है, जो लोग कर रहे हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा लिख के चढ़ जेल क्यों नहीं भेज देते हैं, बुलडोजर लेके पहुंच जाए खट से उलाट दें। यह सरकार भ्रष्टाचार रोकने में कितना कामयाब है आपके हिसाब? देखिए एक चीज तो हुआ है, जो रंगदारी टैक्स लोग बहुत तेज मांगते थे, मैं आजमगढ़ चुनाव में था भाई इलेक्शन में, मैंने महसूस किया कि मैं व्यापारी वर्ग में वोट मांगने के लिए बैठक शुरू किया, सात बैठक किया, सातों बैठक में एक ही बात आई कि हम लोग दुखी हैं सरकार से लेकिन जाएं कहां। एक राहत हम लोगों को मिली है कि मोटरसाइकिल से लोग आते थे, दिन भर हम कमाते थे और मांग लेते थे नहीं देते थे तो ले चाहे झापड़, इससे हम लोगों को छुट्टी मिली है, सहूलियत मिली है। तो पूरे प्रदेश में रंगदारी टैक्स मांगने की जो प्रथा रही है उसमें 90% गिरावट आई है, उसको रुका है। और दूसरी चीज, योगी जी ईमानदार हैं, कोई शक नहीं, मेहनती हैं, लेकिन अधिकारी जो है कुछ ऐसे हैं जो योजना बन रही है उसको धरातल पर फेल कर दे रहे हैं।